हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री टाइम। आज हम लोग एक ऐसा चार्ट पढ़ने वाले हैं जिससे एरोमेटिक कंपाउंडों का कन्वर्जन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एरोमेटिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन जो है, पूरे ईयर हम लोग पूरी साल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद भी लास्ट टाइम में केमिस्ट्री हमें याद नहीं रहती है, या फिर याद करने में प्रॉब्लम होती है, और याद कर भी लेते हैं तो भूल जाते हैं। तो उसी के लिए मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो कुछ ट्रिक हैं, इस चार्ट को देख के डरना नहीं है, ये चार्ट बहुत इजी है, बहुत आसान है। बस दो सेंटेंस आपको याद करना है। दो सेंटेंस जैसे ही आप याद करेंगे, ये चार्ट जितना भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारा आप लोगों को याद होगा। ये कन्फर्म है, गारंटी है, मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि आपकी एरोमेटिक की जितनी भी रिएक्शन होंगी, इस एक चार्ट से एरोमेटिक की सारी रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आप लोगों को सिर्फ दो सेंटेंस याद करना है। दो सेंटेंस कौन से हैं वो देखिए। पहला, फर्स्ट है बेटा बीवी को कोने में ले जा। अब इसका मतलब क्या है, कोने में ले जाकर? अब इससे आपको, इस सेंटेंस से इधर वाला जो इस साइड का आपको रिंग दिखता होगा, ये गोल रिंग बिल्कुल स्फेरिकल की तरह, तो इस सेंटेंस से आपको ये वाला रिंग पूरा याद हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, अब फायदा मैं आपको दिखाता हूं, देखिए क्या फायदा होगा। जैसे इसका, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, बेटा, तो बेटा का मतलब है बेटा, यानी बी, यहां से ले लो बी आप बेटा से, तो बी का मतलब है बेंजीन। फिट्टा, टा से हमें लेना है टी, टी का मतलब है टोलुइन, ठीक, टोलुइन। फिर उसके बाद है बी का मतलब है बेंजल्डिहाइड, फिर बी का मतलब है बेंजोइक एसिड, फिर है कोने में ले जा। कोने में ले जाने का मतलब क्या है, अब यहां पर है कोना, COONA, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर COONA लगाओ तो उसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। और फिर उसके बाद फिर वहीं पे हम पहुंच जाते हैं बेंजीन से। तो इससे क्या हुआ, हमें ये वाली रिंग पूरी याद हो जाएगी। अब रिंग याद करने से फायदा क्या है, रिंग याद करने से फायदा यह है कि देखो, रिएक्शन तो सब लोग याद कर लेते हैं, और लास्ट टाइम में जो है पेपर के टाइम में हम लोग भूल जाते हैं, तो भूलने से बचने के लिए ये ट्रिक काम में आएगी आप लोगों के। अगर ये ट्रिक आप एक बार याद कर लेते हैं, तो गारंटी मैं ले सकता हूं कि इसके बाद जो है आप लोग कभी भी ये रिएक्शन याद करने के बाद भूलेंगे नहीं, और पेपर टाइम में इससे बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा होने वाला है। वैसे भी हम लोगों के एग्जाम जो है बहुत करीब है, तो एग्जाम को देखते हुए मैं ये चार्ट लेके आया हूं, और इस चार्ट का बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बहुत ज्यादा। आप लोग एक बार बस याद करने की कोशिश करिए। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद करना है, बेटा बीवी को कोने में ले जा। इसका मीनिंग क्या है, बेटा बीवी को कोने में ले जाने का, बेटा का मतलब है बी, और टा से टी, यानी बेटा, बी का मतलब है बेंजीन, और टी का मतलब है टोलुइन, बेंजीन टोलुइन। फिर उसके बाद है बीवी का मतलब है बेंजल्डिहाइड, फिर क्या है बी, फिर बेंजोइक एसिड, फिर क्या है कोना, कोने का मतलब है COONA, यानी बेंजीन रिंग पे अगर हम कोना लगा दें COONA, तो इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। तो इससे क्या है, ये पूरी रिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस रिंग को कंप्लीट करने से फायदा क्या होगा, देखिए, रिएक्शन तो हम सब लोग लगभग याद कर लेते हैं, लेकिन रिएक्शन याद करने के बाद फिर भूल जाते हैं कुछ टाइम के बाद, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद फिर मैक्सिमम बच्चे भूल ही जाते हैं। तो उसी को याद करने के लिए मैं ये रिंग आपको याद करवा रहा हूँ। इस रिंग को याद करने के बाद ये रिंग आसानी से ये सारी रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, हम लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आता है, जैसे बेंजीन से टोलुइन कैसे बनाएंगे आप, हाउ टू डू बेंजीन कन्वर्ट इनटू टोलुइन। तो इस तरह की रिएक्शन बहुत सारी आपको देखने को मिलती है, लेकिन कुछ रिएक्शन तो हम याद कर लेते हैं, उसके बाद जो है मेजर रिएक्शन भूल जाते हैं। ये ना भूले इसीलिए हम जो है ये ट्रिक लेके आए। अब ट्रिक से फायदा क्या होगा, देखिए, अब जैसे आपको कोई भी रिएक्शन याद करनी, तो कोई भी रिएक्शन याद करने के लिए आप सिंपल ये वाला रिंग कन्वर्ट रिंग याद कर लीजिए। इस रिंग से आपको बहुत बेनिफिट होगा। फर्स्ट है बेंजीन से टोलुइन, तो बेंजीन से अगर टोलुइन बनाना है, तो उसके लिए हम क्या है, फ्रीडलक्राफ्ट। आपने फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन का एक रिएक्शन नेम सुना होगा। फ्रीडलक्राफ्ट में क्या है, CH3Cl की रिएक्शन अगर हम बेंजीन से करा दें एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बेंजीन से टोलुइन आसानी से बन जाता है, ठीक।
उसके बाद अगर मान लो टोलुइन से आता है, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए टोलुइन की रिएक्शन अगर क्रोमिल क्लोराइड से क्रोमिल क्लोराइड से अगर हम करा दें तो जो है इससे बेंजल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन का नेम रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम नेम रिएक्शन भी है एक, इसका नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। अच्छा, इस चार्ट से एक बेनिफिट और है, इस चार्ट में पूरे चार्ट में कई नेम रिएक्शन भी है, कम से कम 10 से 12 नेम रिएक्शन इसके अंदर है। अगर आप चार्ट याद करते हैं तो आपको नेम रिएक्शन भी बहुत सारी याद होगी। तो इसका इस रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन को हम इस तरीके से ही करते हैं, ये इटार्ड रिएक्शन है। तो इससे आप इस वाले चार्ट से आप इतना पूरा कन्वर्ट करने से एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड से सोडियम बेंजोएट से बेंजीन। देखिए आप लोगों को ये तो पता होता है कि रिएक्शन कहाँ, लेकिन हम रिएक्शन का लिंक भूल जाते हैं कि याद कैसे करना है। तो याद करने के लिए ही मैंने ये ट्रिक बनाया है। बाकी तो आप पूरे साल पूरे ईयर पढ़ते हैं, तो पूरे ईयर पढ़ने के बाद फाइनल जो है हम लास्ट टाइम में भूल जाते हैं। तो लास्ट टाइम में भूलने ना, इसके लिए क्या करना है कि ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा। अब इधर आ जाएगी इस वाले रिंग में हमें क्या करना है, इस रिंग में अब इधर का तो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको पूरा चार्ट एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद दोबारा हम फिर इसको कन्वर्ट फिर से रिवाइज कर लेंगे। इस साइड का जो रिंग दिख रहा है उसको देखिए, इधर का तो था बेटा बीबी को कोने में ले जा, और इस साइड का क्या है, इस साइड का चार्ट याद करने के लिए हमें याद रखना है। देखिए ये है नाइट्रोबेंजीन एनिलीन BDS यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, उसके बाद है क्लोरोबेंजीन, उसके बाद है फिनॉल। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, किससे कैसे बनेगा, तो याद करने के लिए एक सेंटेंस आप फिर से याद रखिए, ना आया BDA कॉलोनी। देखिए ना आया BDA कॉलोनी, एक कॉलोनी है BDA कॉलोनी, ना आया BDA कॉलोनी सीबी गंज चला गया फिनॉल। एक सेंटेंस आपको याद करना है कौन सा, मैं फिर से एक साइड से लिखता हूं, इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए ये सेंटेंस मैं इस साइड में लिखता हूं आप लोगों को, इधर ना आया BDA कॉलोनी सीबी गंज चला गया फिनॉल, सीबी गंज चला गया फिनॉल। अब इससे क्या फायदा होगा, देखिए ना आया का मतलब है, ना का मतलब नाइट्रोबेंजीन, आया का मतलब है एनिलीन, ना आया तो आया से हमने लिया एनिलीन, फिर एनिलीन के बाद जो है ना आया BDA कॉलोनी, तो ना आया BDA कॉलोनी सीबी गन बरेली में एक जगह है सीबी गन, तो BDA कॉलोनी सीबी गन चला गया फिनॉल, तो सीबी गन चला गया फिनॉल। इसका मीनिंग क्या है, ना आया का मतलब है नाइट्रोबेंजीन, आया का मतलब है एनिलीन, फिर उसके बाद BDA कॉलोनी, तो BDAC का नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, आप लोगों ने सुना होगा BDA का नाम होता है बेंजीन, BDAC का बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDAC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो फिर ये है, उसके बाद सीबी गन चला गया, तो सीबी गन का मतलब है क्लोरोबेंजीन, अगर बेंजीन की रिंग पे CL लगाओ तो इसको हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। फिर उसके बाद है फिनॉल, तो फिनॉल के बाद फिर से बेंजीन। अच्छा, कौन से किससे किसकी रिएक्शन कराएंगे, ये मोस्टली सभी बच्चों को याद रहता है कि बेंजीन की रिएक्शन अगर हम कंसेंट्रेट H2SO4 और कंसेंट्रेट HNO3 की रिएक्शन में प्रेजेंस में कराएं तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, तो ये तो सब लोग याद कर लेते हैं। बस हमें एक लिंक चाहिए किसी भी तरीके से रिएक्शन याद हो जाए। जैसे अब देखिए इसमें नेम रिएक्शन किस तरीके से याद होगी, नेम रिएक्शन याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जैसे अगर यहां पर अगर मैं नेम रिएक्शन की बात करूं, तो अगर एनिलीन की रिएक्शन अगर हम NaOH और HCl से कराएं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराते हैं तो एनिलीन जो है BDAC बनाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन का नाम जो है डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोनीकरण, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, तो ये नेम रिएक्शन हो गई। फिर अगर हम BDAC की रिएक्शन अगर HCl और CCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो इस रिएक्शन का नाम होता है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर अभिक्रिया, आपने पढ़ रखी है। तो इससे BDAC से हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। फिर
अच्छा इस चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत आसान है ये चार्ट। अगर आप एक बार ध्यान से इसको देखते हैं तो बहुत इजी लगेगा आपको। देखिए अब किसी भी तरीके का आप क्वेश्चन सोचिए, मन में अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लीजिए बेंजीन से आपको एसिटोफिनोन बनाना है, तो बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाने के लिए बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं एसिटिल एसिटिल क्लोराइड से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में अगर करा दूं, तो बेंजीन से एसिटोफिनोन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो बेंजीन से एसिटोफिनोन आपके जितने भी कन्वर्जन है मोस्टली इस चार्ट से, एक चार्ट से सारी रिएक्शन हो सकती है। जैसे देखिए टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड बनाना हो तो टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन करा सकते हैं, क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीडेशन तो बेंजाल्डिहाइड बनता है। मान लीजिए आपको टोलुइन से बेंजोइक एसिड बनाना हो तो टोलुइन से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए हम क्या कराते हैं, एसिडिक कंडीशन में K2Cr2O7 और इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दें, इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दें तो ऑक्सीडेशन करने पर डायरेक्ट टोलुइन से हम बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। बेंजोइक एसिड से अगर मान लीजिए आपको बनाना है बेंजीन, तो बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाने के लिए आप क्या करिए, इसकी रिएक्शन पहले NOS से कराइए, NOS से कराने के बाद पहले बनेगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट से हम डायरेक्ट फिर सोडा लाइम की अगर रिएक्शन करा दें तो बन जाता है बेंजीन। अब देखिए यहां कुछ ये मैंने बीच में क्रॉस करके लगा दिया, क्रॉस इसलिए है कि अगर मान लीजिए आपको बेंजीन से डायरेक्ट बेंजोइक एसिड चाहिए तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए आपको काफी लंबा जाना पड़ रहा है, इसलिए इस दूरी से बचने के लिए आप क्या करिए, पहले बेंजीन से टोलुइन बनाइए, टोलुइन की रिएक्शन फिर एसिडिक कंडीशन में अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो ऑक्सीडेशन करने के बाद ये रिएक्शन जो है टोलुइन से डायरेक्ट बेंजोइक एसिड हम बना सकते हैं। तो ये बीच में जो क्रॉस है इसी तरीके से देखिए, अगर बेंजीन से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो इतना लंबा नहीं जाना है कि यहां से लेके यहां तक फिर से पूरा लेके आए, हमें क्या करना है बेंजीन की रिएक्शन डायरेक्ट किससे करा दें, बेंजीन की रिएक्शन अगर हम क्लोरोबेंजीन से, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करा देंगे FeCl3 की प्रेजेंस में तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो इस तरीके की सारी रिएक्शन आप कर सकते हैं। अब देखिए नेम रिएक्शन इसमें, अगर मान लीजिए BDAC की रिएक्शन फिर से KI से करा दो तो आइडोबेंजीन बन जाएगा, अगर हम यहां पर एनिलीन की रिएक्शन Br2 एक्वस Br2 से ब्रोमीन वाटर से करा दें तो जो है 2.4.6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, 2.4.6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, तो ये भी रिएक्शन इससे हो जाएगी। फिर अगर मान लीजिए अगर आपको टोलुइन से TNT बनाना हो, टोलुइन से TNT, तो टोलुइन से TNT बनाने के लिए टोलुइन की रिएक्शन कंसेंट्रेट HNO3 और कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अगर इसका नाइट्रेशन करें तो नाइट्रेशन करने पे TNT बन जाता है, 2.4.6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन, इसकी फुल फॉर्म है TNT की ट्राई नाइट्रो टोलुइन, तो इससे हम ये भी रिएक्शन कर सकते हैं। अच्छा बेंजाल्डिहाइड की आपने कई रिएक्शन होती है, लेकिन बेंजाल्डिहाइड की दो रिएक्शन अभी आप यहाँ पे ये भी याद कर सकते हैं, एक बेंजोइन कंडेंसेशन और परकिन रिएक्शन में सिनामिक एसिड बनता है और बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजोइन बनता है बेंजोइन। और देखिए फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिनॉल से अगर मान लीजिए आपको 2.4.6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनाना हो तो फिनॉल की रिएक्शन Br2 से करा दीजिए, फिनॉल की रिएक्शन एक्वस Br2 से तो 2.4.6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप फिनॉल से आपको पिक्रिक एसिड चाहिए तो फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाने के लिए इसकी रिएक्शन अगर कंसेंट्रेट HNO3 से करा दें तो इससे हमें पिक्रिक एसिड मिलता है। अगर फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराना हो, NaOH से और प्लस CHCl3 से करा दे तो जो है क्लोरोफॉर्म से तो एक सैलिसिल एल्डिहाइड नाम का कंपाउंड बनता है, इस रिएक्शन का नाम एक इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन रीमन टीमैन का नाम आपने सुना होगा, तो रीमन टीमैन रिएक्शन भी हो जाती है। अगर CCl4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो बेंजोइक एसिड और क्लोरोफॉर्म NaOH और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में कराएंगे तो सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इसमें नेम रिएक्शन भी इस चार्ट से आप बहुत सारा कवर कर सकते हैं। एक चार्ट है, देखने में लग रहा है आपको एक चार्ट, लेकिन इस चार्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि कोई भी रिएक्शन देखिए, आपको अगर मान लीजिए BDAC से फिनॉल बनाना है तो BDAC से फिनॉल बनाने के लिए BDAC की रिएक्शन वाटर से करा दीजिए, जैसी वाटर से कराएंगे एसिडिक कंडीशन में तो BDAC फिनॉल बनाएगा और फिनॉल से फिर बहुत सारे कन्वर्जन हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डाउस मेथड, देखिए नेम रिएक्शन मैं गिनवाता हूं आपको, नेम रिएक्शन कितनी, एक नेम रिएक्शन रीमन टीमैन हो गई, फिर एक ये डाउस मेथड क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए एक डाउस मेथड होता है, NaOH और HCl की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तो डाउस मेथड बनता है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो बने और शॉर्ट वीडियो में ही आपके पास ज्यादा ज्यादा चीजें प्रोवाइड हो सके, इसलिए। और एक चीज और, हाँ अभी तो मैंने एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बनाया है एरोमेटिक का कन्वर्जन, इसके बाद मैं आपको एलिफेटिक सिंगल चार्ट दूंगा, एलिफेटिक के सिंगल चार्ट से आपकी जितनी भी रिएक्शन होगी एलिफेटिक की सारी रिएक्शन मैक्सिमम 90% रिएक्शन जो है आप उस एक चार्ट से कंप्लीट कर सकते हैं।
सिर्फ एक चार्ट, ओनली वन चार्ट, एक ये है, ये एरोमेटिक के लिए है, और इसके बाद का जो एलिफेटिक चार्ट होगा वो एलिफेटिक चार्ट से आपका मैं मैक्सिमम 90% रिएक्शन जो है आपकी उससे कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके की ये चार्ट एक बार मैं आपको फिर रिपीट करके सुनाता हूँ। देखिए, इस चार्ट को याद करने के लिए आपको कुछ याद नहीं करना, दो सेंटेंस याद करने, एक ये सेंटेंस और एक ये वाला सेंटेंस। पहले हम इधर के रिंग को तैयार करते हैं। इधर वाला रिंग तैयार करने के लिए आप अपने घर पे भी बना सकते हैं ये चार्ट, जहां आप पढ़ते हो उस जगह पर, उस जगह पर क्या करें, एक चार्ट पेपर ले, उस चार्ट पेपर पर ये चार्ट बना सकते हैं। कैसे बनाना है, सबसे पहले बीच में वेंजिंग रिंग रखिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, रिंग 1 2 3 4 5 रिंग इधर साइड में, फिर 1 2 3 4 5 रिंग इस साइड में, दोनों तरफ 5 रिंग, मतलब बेंजीन रिंग बनानी है। उसके बाद जो जो कंपाउंड आपको लेना है वो कंपाउंड ले लीजिए। देखिए, प्रेजेंस कौन सी होगी, किस कंडीशन में, ये तो आप सब याद कर लेते हैं, प्रेजेंस से प्रॉब्लम नहीं है, प्रेजेंस हमें लगभग याद ही रहता, बस लिंक याद रहना चाहिए, किससे किसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है याद करना। ये तो बहुत, आप तो पूरे ईयर पढ़ के आए, पूरे साल पढ़ने के बाद इतना तो हर बच्चा याद कर लेता है, लेकिन मेन जो है कि किससे क्या बना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये याद नहीं होता है, ये याद करने के लिए ही मैंने ये ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, फर्स्ट इसको याद करने के लिए फर्स्ट ट्रिक है, बेटा बीवी को कोने में ले जा। तो बेटा बीवी को कोने में ले जा, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, बस हमें इस ट्रिक से मतलब है, इस ट्रिक से हमें ये याद हो रहा है। तो याद कैसे होगा, बेटा, बेटा का मतलब बी और टी, बी का मतलब बेंजीन और टी का मतलब क्या है, टोलुइन। तो बेंजीन और टोलुइन, इससे हमें दो चीज याद हो गई। फिर क्या है, बी बी, तो बीबी का मतलब है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। फिर बी का मतलब क्या है, बेंजोइक एसिड, तो बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड। उसके बाद क्या है, कोना, कोने में ले जा, तो कोने का मतलब है सोडियम बेंजोएट, उसके बाद फिर बेंजीन। ठीक, फिर इस साइड का आ जाइए रिंग, इधर का रिंग देख लेते हैं। इधर का रिंग देखने के लिए क्या करना है, इधर के लिए ये सेंटेंस था, ना आया बीडीए कॉलोनी, बीडीए कॉलोनी है, ना आया बीडीए कॉलोनी, सीबी गन चला गया फिनॉल, सीबी गन चला गया फिनॉल। तो इस तरीके से क्या होगा, ना आया का मतलब है नाइट्रोबेंजीन, ना आया बीडीओ, और आ का मतलब है, आया का मतलब एनिलीन, और बीडीए कॉलोनी, तो बीडीए कॉलोनी, बीडीएसी चला गया, ना आया बीडीए कॉलोनी, सीबी गन चला गया फिनॉल। तो सीबी गन, सीबी का मतलब क्लोरोबेनिन, और चला गया फिनॉल, तो फिनॉल, तो फिनॉल। तो लास्ट में इससे हमें ये पूरी रिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इस रिंग के, इस रिंग की हेल्प से हम बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए नाइट्रोबेनिन से एनिलीन बनाना हो, तो इसका रिडक्शन कर दीजिए, SN ऑब्लिक HCl की प्रेजेंस में अगर इसका रिडक्शन करते हैं तो NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चार्ट जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। जैसे अगर मान लीजिए क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना हो, तो क्लोरोबेंजीन से DD, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर क्लोरो से करा दे तो DDT बन जाता है। इस तरीके से मान लीजिए आपको BDAC से साइनोबेंजीन बनाना है, इसका भी इस रिएक्शन का भी नेम रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, इसका नाम सैंडमेयर होता है, तो इससे हम साइनोबेंजीन बना सकते हैं। तो इस एक चार्ट में आप चाहे तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम जितनी रिएक्शन हो सकती है एरोमेटिक की, लगभग सभी रिएक्शन है इस चार्ट में, बस आपको यूज करना। आप यूज कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, उन क्वेश्चनों में से कैसे क्वेश्चन आए हैं, और फिर उसके बाद चार्ट सामने रखिए। आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में आप ये पूरा चार्ट तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करना है वो आपके लिए मैं ये बता चुका हूं। और इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो आपको और एक और मिलेगी एलिफेटिक के लिए, एलिफेटिक कंपाउंडों के लिए जो है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा, एक या दो।